नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रत्नाकर टंडन और आप देख रहे हैं शाम 5 बजे डिबेट देश का सवाल। आज सवाल फिर से राहुल गांधी को लेकर। पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। देश के सबसे बड़े चुनाव से 1 साल पहले राहुल गांधी की सदस्यता जाना और चुनाव लड़ने को लेकर सवाल होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी सदस्यता जाने के बाद किस तरह से राजनीति करेंगे, उनकी प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि राहुल को लेकर जो ये आपदा है उसे वो किसी तरह से अवसर में बदलना चाहते हैं। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने फिर से मोदी और अडानी का जिक्र किया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 28 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 16 बार मोदी जी, 9 बार प्रधानमंत्री और 38 बार अडानी का नाम लिया, जिसका मतलब साफ है राहुल के एजेंडे में मोदी और अडानी हर वक्त रहेंगे। लेकिन सवाल यही है, अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ पाए, 8 साल का ब्रेक लगा, तब क्या होगा। हालांकि राहुल के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। संसद में राहुल कब तक नहीं बोल पाएंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन राहुल के बोल पर किस तरह से बवाल चालू है इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने आज सदस्यता जाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला, रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई, यह सवाल मैंने पूछा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल को किस तरीके से जवाब दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सुनिए। सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा, आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। देश का सवाल क्या है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या राहुल गांधी का मोदी सरनेम वाला बयान गलत नहीं था? अगर 8 साल का ब्रेक लगा तो राहुल का भविष्य राजनीति में और देश में और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होगा? ये 3-4 मूलभूत सवाल है। हमारे साथ जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हैं, और घनेन्द्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। शुरुआत जयराम विप्लव जी आपसे करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ कह दिया है, कहा 2 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, वो संसद नहीं आना चाहते।
लेकिन उन्होंने कहा मोदी और अडानी ये नाम मैं नहीं छोड़ूंगा। और 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास कहां से आए, इसका जवाब उनको चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को संसद के कार्यों में पहले भी कितनी रुचि रही है ये उनकी संसद में इतने वर्षों की उपस्थिति का परसेंटेज निकालकर देखा जा सकता है। अब आते राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर दो बातों की चर्चा बहुत जोर शोर से मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी है और राजनीतिक चर्चाओं में भी है। पहली संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी आगामी कर्नाटक चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए ये सारा स्वांग रच रही है, विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो वाकई में राहुल गांधी को सक्रिय राजनीति से दूर रखने का कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, इसीलिए वो राहुल गांधी को परगलाकर ऐसी सलाह दे रहे। अब ये बातें हवा में नहीं है, इसके लिए तथ्य और तर्क भी मैं बताता हूं। पवन खेड़ा इनके प्रवक्ता हैं और उन्होंने भी मानहानि के संबंध में उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ और 1 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी के तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां से स्टे लेकर के आ गए। क्या वो कांग्रेस पार्टी 24 घंटे के भीतर निचली अदालत से मिले हुए फैसले के विरुद्ध अपर अदालत में ऊपरी अदालतों में नहीं जा सकती थी और वो नहीं गई? तो ये सवाल और शक गहराता है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके ये सब कुछ कर रही है। रही बात राहुल गांधी के माफी मांगने की, तो राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चौड़े होकर कह रहे थे कि वो माफी नहीं मांगते, लेकिन इस देश में देखा हमने किस प्रकार चौकीदार चोर है कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। और राहुल गांधी को लेकर के 3 मुद्दे चल रहे हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि सदन में उनके द्वारा माफी मांगने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्योंकि उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर भारत को अपमानित करने वाली बात कही और भारतीय लोकतंत्र में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के लिए आमंत्रण दिया। दूसरा मुद्दा चल रहा है जो राहुल गांधी जी ने बिना ऑथेंटिकेट किए प्रधानमंत्री के ऊपर संसद के भीतर अनर्गल बयानबाजी की, उसके लिए विशेषाधिकार समिति के भीतर उन पर मामला चल रहा है। और तीसरा मामला था ओबीसी समाज के ऊपर टिप्पणी करने का और उससे आहत होकर जो व्यक्ति कोर्ट में गया। 4-5 मामले जयराम जी आपने गिरा दिए। एक लाइन और दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन तीनों मामलों को मिक्स करके कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है कि सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। कम से कम आज देश गूगल युग में जी रहा है, डिजिटल इंडिया के दौर में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं फैल सकता। देश जानता है कि कोर्ट में उनको सजा दी। ठीक है, डॉली शर्मा जी, 2 महत्वपूर्ण विषय उन्होंने दिए हैं। पहला कि अगर पवन खेड़ा तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाकर एक लंबे चौड़े पैनल के साथ, जो कि कांग्रेसी वकील थे, वो वहां जाकर अपने लिए समय ले सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं, तो राहुल गांधी हायर जुडिशियरी को उन्होंने अप्रोच तुरंत क्यों नहीं किया? 3-4 घंटे का वक्त था। ये सवाल बीजेपी नहीं, कई और कांग्रेस के नेता भी ये पूछ रहे थे कि साहब बड़े वकील दिल्ली से क्यों नहीं गए? आपके पास सिंघवी साहब थे, आपके पास तनखा जी थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, कई सारे अच्छे और बड़े नामी वकील थे, वो जा सकते थे, कोई नहीं गया जब इतना बड़ा मामला था। दूसरा, ये विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड जो जयराम जी कह रहे हैं कि कर्नाटक और आगामी जो आने वाला 24 का चुनाव है उसमें सिंपैथी के लिए ये सब कुछ डायरेक्ट किया गया है, जयराम विप्लव ने बोला। देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। तो आप सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम से पुतले सा किरदार तुम्हारा है। आज प्रधानमंत्री जी को आलोचना बर्दाश्त नहीं है, जिस तरीके से राहुल जी के भाषण के हिस्से एक्सपंज किए उसके बाद लगातार राहुल जी का अडानी पर सवाल उठाने के लिए, विपक्ष के एकजुट होने के बाद लगातार जेपीसी की मांग जो हमने की, उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि याराना तो साफ है, हवाई जहाज में साथ घूमते हैं, जहां श्रीलंका में बिजली देने की पैरोकारी करते हैं, बांग्लादेश से भी इसी तरीके की खबर आई और ऑस्ट्रेलिया भी अडानी जी पहुंच गए, पोर्ट अडानी जी के, एयरपोर्ट अडानी जी के, फल भी अडानी जी बेचेंगे, सब्जी भी अडानी बेचेंगे, तेल भी अडानी बेचेंगे, फिर देश का आम नागरिक क्या करेगा?
तो राहुल जी आज आम नागरिक की आवाज उठा रहे हैं, महंगाई पर सवाल कर रहे हैं, बेरोजगार युवा पर सवाल कर रहे हैं, और वो चीज जब उठाते हैं वो संसद में और खुले तौर पर सवाल पूछते हैं कि 36 शेल कंपनियां आखिर कहां से और कौन उसमें इन्वॉल्व है, उन पर कोई जवाब नहीं है। इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है मनगढ़ंत, क्योंकि जो व्यक्ति एक समुदाय तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे व्यक्ति ने इस पर केस किया, और बड़ा आश्चर्यजनक मामला कि खुद ही उसने अपनी शिकायत पर स्टे ले लिया हाईकोर्ट से, क्योंकि जज उनकी मर्जी के नहीं थे, जज उनकी मर्जी के नहीं थे तो स्टे ले लिया। और अचानक से जो राहुल जी ने भाषण दिया और उसके बाद तुरंत वो पहुंच गए कि उस पे फरवरी में कि उनको जो है इस पर सुनवाई करानी है, ये जो सारी चीजें, और इंस्टेंट क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए। लेकिन वो उसका उस पार्ट का आपने जवाब नहीं दिया, लॉयर्स दिल्ली से क्यों नहीं गए जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, और दूसरा अगर अगर सेशन कोर्ट से राहत नहीं थी तो स्टे के लिए आपने गुजरात हाई कोर्ट मूव क्यों नहीं किया, आप सेम डे कर सकती थी। देखिए आदमी तैयारी करता है, और बकायदा अभिषेक मनु संघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया भी है सारे सारे के सारे लीगल मैटर्स, तुरंत के तुरंत इतनी ज्यादा तेजी से जो कार्रवाई की वो बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, क्योंकि 30 दिन का समय है, 30 दिन का समय था, ये आजम खान जी के मामले को कोर्ट करते हैं उसमें भी समय मिला, लेकिन यहाँ राहुल जी के मामले में इन्हें इतने जल्दी क्या थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी को संसद में देखना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर संसद में जाएंगे तो वो अड़ानी पर सवाल करेंगे, और अड़ानी पर याराने पे सवाल बर्दाश्त नहीं। बिजमोहन जी आ रहा हूँ आपके पास, जयराम जी, क्योंकि बीजेपी को जल्दी बहुत थी, जब एक महीने का वक्त था तो आपने इंतजार क्यों नहीं किया। हालांकि जो मेरी जानकारी है, अगर इस टाइप का कोई भी जजमेंट आता है, भले ही निचली अदालत से हो, हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, जजमेंट आने के तुरंत बाद ऑटोमेटेड होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें सरकार या स्पीकर की कोई कार्रवाई नहीं होती। डॉली जी, अगर ये जजमेंट आया और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दो साल है तो उसके बाद अगर स्टे नहीं है पनिशमेंट पे और केस पर, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है कि आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ये मेरी जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। देखिए रजत जी, ये विधि का विधान है और भारत के संविधान के तहत ये कुछ हुआ है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके विरुद्ध मनमोहन सरकार अध्यादेश लाई थी, क्योंकि उनको लालू जी को सदस्यता खत्म होने से बचाना था, और यही राहुल गांधी आपके बीच में नहीं बोले, देखो लीजिए, अरे भैया कहाँ पहुँच गए, कोई जवाब नहीं है तो गोड से पहुँच गए, बनकर ठीक है बोलिए सत्य रह सकती है, लेकिन नीरव मोदी को चोर कहना, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, देश की उत्तर दे सकते हैं, और ऐसे चोरों को चोर कहने के लिए हजार बार कांग्रेस चौकसी चोर है, समाज भाई प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन समाज आपको ये सजा क्यों मिलती है, और राहुल गांधी ने जो कहने के लिए अगर सजा होती तो ऐसी सजा हमारे उनको सजा मिली है, उनकी सदस्यता ऑटोमेटेड गई है, और इतिहास में राहुल गांधी पहले व्यक्ति नहीं है, लालू यादव आपके नेता, राशि कपूर, अब्दुल्ला आजम, आजम खान, मोड़ा चिल्लाइए, बौखलाहट दिख रही है, बौखलाहट दिख रही है, इतनी बात क्यों है, बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, तस्वीर कोई बात ताने की वो पूरे देश को दिखा दी राहुल गांधी जी ने, बौखला गए। रजत जी अब मैं थोड़ा सा बोल लूं, 10 सेकंड 20 सेकंड दे दीजिए, ये राहुल गांधी जी का पहला मामला नहीं है जहां सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन का ये मामला पहले भी रहा है, लालू यादव, रशीद मसूद, अब्दुल्ला आजम, ममता देवी। जयराम जी वो स्पेसिफिक थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था, मेरी जानकारी आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, एड ऑन आप ही को बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा। डॉली जी एक बार सुनिएगा, डॉली जी का ये कहना है कि एक महीने का वक्त था, क्या लोकसभा स्पीकर इंतजार कर सकते थे, क्या वो प्रावधान था? मेरे हिसाब से प्रावधान नहीं होता है, जैसे ही जजमेंट आता है बाय डिफॉल्ट आपकी सदस्यता चली जाती है, और स्पीकर लोकसभा सेक्रेटेरिएट को तुरंत इन्फॉर्म करना होता है इलेक्शन कमीशन को कि ये सीट अब वैकेंट है,
क्या जल्दबाजी करी बीजेपी ने? रजत जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा स्पीकर, किसी का कोई रोल नहीं है। जो देश का कानून कहता है, और वो ना तो कोर्ट हमारा है ना कानून हमारा है। एक्ट भी 1951 में बना था, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया था, और आज उसी के आलोक में कार्रवाई ऑटोमेटिकली ये करना ही था। मेरी आपकी ना सुने, पूर्व अपने नेता कपिल सिब्बल को सुन लेते, उन्होंने कल बयान दिया है, और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। वो बता रहे कि सब कुछ ऑटोमेटेड है, ना तो लोकसभा अध्यक्ष, हालांकि ज्वाइन नहीं करी है, सरकार के हाथ में कुछ। आजकल डेफामेशन देखिए बहुत तेज हो रहा है जयराम जी। उन्होंने सपा ज्वाइन नहीं करी, इंडिपेंडेंट है वो, वकील भी अगर वो सुनेंगे तो वो आपके खिलाफ भी डेफामेशन कर सकते हैं। उन्होंने सपा ज्वाइन नहीं करी, मेरी जानकारी में वो इंडिपेंडेंट राज्यसभा एमपी है। एक बार धनेन्द्र जी, समाजवादी पार्टी ने एक लाइन, समाजवादी पार्टी कोई इतनी गंदी पार्टी है क्या कि उसको ज्वाइन करने को लेकर? अब ये आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरी जानकारी में है कि उन्होंने सपा ज्वाइन नहीं करी थी, वो एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा एमपी है। एक मिनट, धनेन्द्र जी के पास, धनेन्द्र जी, विपक्ष का भी साथ है राहुल गांधी को, तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त विपक्ष की जो पॉलिटिक्स थी, जो इचकोले खा रही थी, अब फेविकॉल से जुड़ेगी, राहुल गांधी को नेतृत्व स्वीकार करेगी और 24 का चुनाव लड़ेगी? क्योंकि हमने देखा कि वो नेता भी विपक्ष के जो राहुल गांधी से थोड़ा किनारा करते थे, वो भी साथ खड़े थे और सामने आकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है, आम आदमी पार्टी की लाइन। देखिए, निश्चित तौर पर रजत जी, आज सवाल राहुल गांधी का, सवाल मनीष सिसोदिया का, सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है। सवाल ये है कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं, आज आप देख लीजिए जितने विपक्षी नेता हैं, जो भी सरकार की नीतियों से असहमत है, जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे कि अडानी मुद्दे पे जेपीसी बनाओ, उन तमाम नेताओं के ऊपर, चाहे तेजस्वी यादव हो, के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, और अब राहुल गांधी वाले मामले में तो अति हो गई कि राहुल गांधी के जिस बयान को लेके कह रहे कि उनकी सदस्यता चली गई, अरे ऐसे बयान तो मोदी जी ने कितनी बार दे दिए। एक औरत अब इस दुनिया में नहीं, उसको बोला था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मोदी जी ने। अरविंद केजरीवाल को बोला था अर्बन नक्सलाइट, अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बोला इनके मंत्री अनुराग ठाकुर ने, अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बोला इनके एमपी परवेश वर्मा ने। इस तरीके की अगर बयानबाजियों की बात करें, साध्वी प्रज्ञा जहर उगलती है लेकिन आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो कह रहा है इस देश में दो कानून चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए अलग कानून है और विपक्ष के नेताओं के लिए अलग कानून है। विपक्ष का नेता अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे देशद्रोही करार करके जेल में ठूंस दिया जाएगा। लेकिन कोई देशद्रोही, कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाला अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की नजरों में पाक पवित्र हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र की औलाद की तरह होगा और गंगा की तरह पाक पवित्र हो जाएगा। आज मोदी जी यही कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी में खुल के करप्शन करो, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद करप्शन करने का लीगल लाइसेंस मिल जाता है, जितने भ्रष्टाचारी वो आए भारतीय जनता पार्टी, उन मोदी जी की शर्त है कि करप्शन करना है, देश लूटना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। देश टूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी, इस तरीके का आज देश में काम चल रहा है। अरे सुन लो यार जयराम, तुमने सुना था? अरे भैया, अरे क्या तरीका है, ये बदतमीजी होती है। अरे सुन लो ना, अरे सुन लो सब, अरे तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे होगी सड़क पे गुंडागर्दी, मवाली लोगों की पार्टी, अनपढ़ लोग, जाहिर लोग, अनपढ़ आदमी ने पूरा देश खराब कर दिया, पूरा देश का माहौल खराब कर दिया। ये अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री बना दिया तुम लोगों ने, इस अनपढ़ आदमी ने पूरा देश लूट के खा गया, ऐसे दोस्त लूट के खा गए, शर्म नहीं आ रही, जाहिर गवार गुंडे अडानी किसका जीजा है? अडानी किसका जीजा है? तुम्हारा जीजा, जिसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई,
चला तो खुलकर सामने आ रहा है। किसका जी है, किसका दामाद है अडानी? मोदी जी का दामाद है। सब एक साथ बोल रहे हैं तो क्या करूंगा मैं, बताइए। आप लोगों ने फैसला ही कर लिया है कि आप लोग स्वयं एक साथ बात करेंगे। तीन लोग एक साथ बोलेंगे तो किसको क्या समझ में आएगा, बताइए आप। थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा शांत, एक एक करके आ रहा हूँ। जहाँ जिसको आपत्ति हो बोलने के बाद आप लोग बोलिए, सुनने में मजा आएगा और थोड़ी तार्किक डिबेट होगी। आ रहा हूँ, ब्रिजमोहन जी के पास जाना है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गणेश जी एक मिनट रुकिएगा, जयराम एक मिनट में आ रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी के पास, ब्रिजमोहन जी, ये जो पूरा फैसला हुआ है या जो कल से लेकर आज तक का घटनाक्रम है, आप इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी को इससे फायदा होगा, सिंपैथी मिलेगी? क्या कांग्रेस पार्टी को प्रोपेलिंग पार मिलेगी कि वो जनता के बीच में जाए, वो कहे कि नहीं साहब लोकतंत्र की, देखिए हम बात कह रहे थे और हमारी सदस्यता खत्म कर दी गई, पहला। दूसरा, क्या इसके बाद विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि सारे विपक्षी नेता राहुल के साथ और साथ में खड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन जी, आ रहा हूँ जी, एक बार ब्रिजमोहन जी को सुनिए। कल दो रोज जो ये घटना चक कोर्ट के आदेश से लेके आज तक की जो घटना चक्र है, उससे दो बातें तो बहुत साफ होती है। एक तो जो आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार ये कह रहे थे कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में हैं, तो इस आदेश ने कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं जिनको की बहुत ही निष्पक्ष रूप से फैसला लेना चाहिए, उनके फैसले पे थोड़ा सा उंगली उठ रही है। हो सकता है कि ये फैसला उन्होंने, सजा का प्रावधान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्रिजमोहन जी एक मिनट, जयराम जी देखिए, पहली बार वो बोल रहे हैं, 20 मिनट बाद पहली बार गया हूँ, एक बार उनको भी सुन लीजिए, सीनियर स्पोक्स पर्सन। जीजा बानोई कर रहे हैं तो मैं सुनूंगा तो उनकी बात, उस पर बात करने की क्षमता नहीं है। 2013 का आईना देखो, केजरीवाल कह रहे थे अध्यादेश को फाड़ कर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जयराम जी, आ रहा हूँ। मैंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी, गणेश जी भी नहीं बोले, एक बार आप बोलिए। ब्रिजमोहन जी, दो सवाल है, सामने कभी करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी वालों के पास है, सामने करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी वालों के पास है। सामने कभी उंगली दिखा, सामने कभी उंगली दिखा, सामने के यही गुंडों को गुंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे? दंगाई हो, दंगाई हो, अरे तुमने तो केजरीवाल छोड़ छोड़ बोलते थे भाई, अरे तुमको बीच में चल रही हो, तुमको बीच में चल चिल्ला रही हो, आपको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुंडा नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे, मनीष डाकू नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, जेल नहीं मिल रही है, बौखलाहट समझता हूँ, चोरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लफंगा बोला जाएगा, बोला जाएगा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार बोलेंगे, डाकू बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है तो है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं बची जनता के बीच में, हिम्मत नहीं है तुम्हारी, आज पंजाब को बर्बाद कर दिया, खालिस्तान के हाथ में दे दिया तुमने, तुम्हारी अमृतपाल को बर्बाद किया तुमने, तुम आज बात कर रहे हो, अरे दो दो मंत्री जेल में है और आप मैडम को चिल्ला रही है पानी पीजिए, राहुल गांधी की सदस्यता गई अभी जेल जाने वाले, सोनिया मैडम कई पर चल रही है, रॉबर्ट वाड्रा तो बुरा लग गया, दामाद बुरा लग गया, वही रिश्ता है, वही रिश्ता है, वही रिश्ता है, रिश्तेदारी है, जो पैसा क्या पूछो, क्या कमीशन सेट है अडानी ये बताओ, कर्नाटक में 40% लेते हो, अडानी से कितनी कमीशन लेते हो ये बताओ, कर्नाटक में 40% लेते हो, अडानी से क्या कमीशन है, कितनी कमीशन लेते हो अडानी से, अडानी से कितनी कमीशन लेते हो ये बताओ, कर्नाटक में तो 40% का कमीशन तो तुम्हारा रेट चल रहा है, अडानी से क्या, अडानी का क्या रेट है, बच्चों अडानी का क्या रेट है, अडानी क्या देता है तुम्हें,
तुम्हारे घर की किचन भरता है, मोदी जी के घर की किचन भरता है, अमित शाह के लड़के ठीक है जयराम जी ये तो बता दो सरकार बनाऊंगा ठीक है। दो मिनट थोड़ी शांति, जयराम जी आ रहा हूँ, बारी बारी से बात करें। गणेश जी एक बार आप भी थोड़ा सा शांत, एक बार ब्रिजमोहन जी आपके पास। मैंने दो मूलभूत सवाल ब्रिजमोहन जी बोले थे, क्योंकि प्रवक्ता आपस में नहीं मान रहे थे, तो मैंने कहा पांच मिनट का समय ले लें, लोगों की जो एनर्जी रहती है वो एक बार पूरी फुल एनर्जी देख लें। ब्रिजमोहन जी आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए मैं इस पर ये बोल रहा था कि जो कोर्ट का निर्णय हुआ है वो तो देश का जो कानून है उसके अंतर्गत कोर्ट ने अपना आदेश दिया, ऐसे मैं उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि सारा मामला सब जुड़ी से। लेकिन इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। राजनीतिक पक्ष इसका यह है कि इस पूरे मामले से जो आदरणीय राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, दबाव का मतलब ये नहीं कि उनको कोई निर्देश दिया जा रहा है, दबाव से तात्पर्य है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने सरकार के पक्ष को ध्यान में रखकर अगर फैसला नहीं दिया तो शायद हो सकता है कि सरकार हमसे रुष्ट हो जाए। तो इस फैसले ने कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिया है कि वाकई जो राहुल गांधी जी कहते रहे उस पर कुछ ना कुछ सच्चाई है। दूसरी बात यह कि इससे सबसे ज्यादा जो राहुल गांधी 28 तारीख से लेकर आज तक लगातार चर्चा में है, मैं सोचता हूं कि इतना ज्यादा कवरेज कभी भी आदरणीय राहुल गांधी जी को इसके पहले, ये अगर उनकी मैं यात्रा की बात छोड़ दूं तो उसके पहले कभी उनको इतना कवरेज नहीं मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय राहुल गांधी जी के इस राजनीतिक उनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है कि उसके अंदर फंस गई है और लगातार देश के अंदर यही मुद्दा चर्चा में आ रहा है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुझे दूर से कहीं ऐसा लगता है कि वो कहीं विवाद में आ गई है। और ये देख रहा हूं जो अभी बौखलाहट आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी, उससे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव में है और ये चीज निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी जिस प्रकार से आपके चैनल पे आपस में चर्चा हो रही थी गंभीर, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी यही चाहता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष हो, द्वंद्व हो, जिससे कि इस देश का वातावरण बिगड़े। तो ये सारी बातें हो रही हैं और इसका नुकसान कहीं ना कहीं देश की राजनीति को भी होगा और देश के विकास को भी होगा। जयराम जी बैकफायर कर गया क्या ये पूरा इशू? ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं साहब जो अब जयराम जी सवाल तो सुन लीजिए, वो कह रहे हैं साहब क्या कोई प्रेशर में है बीजेपी, क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उठा रहे हैं? देखिए ये खुद ही दोनों तरफ की बातें लोग करते, विपक्ष के लोग ये 2000 में उदाहरण सिलसिलेवार तरीके से दे देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। 2013 में यही अरविंद केजरीवाल थे जो मनमोहन सरकार के अध्यादेश के खिलाफ थे, यही राहुल गांधी थे जिन्होंने वो अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया था, लालू जी की सदस्यता चली थी। आज वही सारे लोग राहुल गांधी के बचाव में खड़े हैं और तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरा बता रहे हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, पहले तय कर लीजिए कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो सफेद झूठ बोले। पहली बात उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा लिखित में माफी मांगी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने विदेश की धरती पर किसी भी विदेशी शक्ति से हस्तक्षेप की बात नहीं कही थी। 5 मार्च का वो वीडियो देश के सारे चैनलों ने चलाया और सब जगह उपलब्ध है, इसको भी जनता चेक कर सकती है। राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है झूठ बोलने के, और देश के विभिन्न वर्गों को अपमानित करने के। कभी वो हिंदुओं को लेकर कहते हैं कि मंदिर में लोग लड़की चढ़ने जाते हैं, कभी वो हिंदू संगठनों के लिए कहते हैं कि ISIS से ज्यादा खतरनाक है, और अभी ताजा प्रकरण जिस मामले में सजा हुई है इसी को छुपाने के लिए अडानी कर रहे हो ना, कि देश का ओबीसी समाज अब आपको वोट नहीं करता, आपका वोट बैंक नहीं रहा, तो आपने उसको अपमानित करने के लिए चोर कह दिया और उसी से आहत होकर एक व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपको सजा सुनाई, इस बात को छुपाना क्यों चाहते हैं? नकली गांधी कितना जी, एक सेकंड बस पूछना चाहता हूं, आप नहीं हो सकते, राहुल गांधी गांधी नहीं बन सकते, ये एक सच्चाई है। ब्रिजमोहन जी कुछ पूछना चाह रहे जयराम जी कंप्लीट करिए।
पूछ लीजिए फिर। मैं जयराम जी से, मैं जयराम जी को ये कहना चाह रहा था कि मोदी सरनेम, मोदी सरनेम ओबीसी का कॉपीराइट नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश में मोदी सरनेम का उपयोग जैन समाज के बहुत ही सक्षम और प्रबुद्ध लोग करते हैं, मोदी सरनेम का उपयोग मध्य प्रदेश में कई प्रबुद्ध जातियां करती हैं। तो यह कहना कि मोदी सरनेम कोई बैकवर्ड कम्युनिटी का कॉपीराइट है, तो मुझे लगता है शायद ये बात गलत है। मोदी का मोदी सरनेम हर वर्ग का आदमी उपयोग करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप में, भारतीय जनता पार्टी के आरोप में मुझे कोई सच्चाई नहीं लगती है कि ये कोई बैकवर्ड का मामला है। ये बैकवर्ड कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आप महाराष्ट्र में बैठे पूरे देश का गणित मत बताइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर जगह मोदी सरनेम के लोग, मध्य प्रदेश में भी है। और मान लिया आपकी बात को, फिर भी अगर 60% 50% में कटा 1% भी देश में मोदी सरनेम वाले लोग अगर ओबीसी में आते हैं, तो राहुल गांधी को चार व्यक्तियों के आधार पर पूरी जाति, पूरे वर्ग को चोर कहने का अधिकार किसने दिया? आप एक व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज के ऊपर नहीं कर सकते। और कोर्ट के ऊपर आप नहीं है, कोर्ट के ऊपर कोर्ट है। ये मोदी जाति सूचक नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। ना ये बैकवर्ड, ना तो बैकवर्ड को, ना तो बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट किया है कि साहब आप समाज ओबीसी से नफरत करते हैं, ओबीसी के खिलाफ ये टिप्पणी मानी जाएगी। ठीक है, जयराम जी आ रहा हूँ, गणेश जी आ रहा हूँ, एक बार डॉली जी आपके पास। ये सेकेंड एस्पेक्ट है, पहला आपने जो वर्ड यूज किया वो सजा मिली। डॉली जी दूसरा बीजेपी, अब जयराम जी मुझको भी सवाल पूछ लें जी ना, आपने अपनी बात पूरी रख ली है, अब मुझको भी बोल लें दीजिए। डॉली जी, ये जो ओबीसी फैक्टर आया है, धर्मेंद्र यादव जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ओबीसी बैकवर्ड्स का अपमान है, इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए राहुल गांधी जी, नीरव मोदी को चोर कहने के लिए, ललित मोदी को चोर कहने के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। देश के लोगों का पैसा लेकर विदेश में जिन लोगों को इन्होंने भगाया है, जो दावोस में इनके पीछे खड़े थे, जो इनके भाई थे, प्रधानमंत्री जी के भाई थे, प्रधानमंत्री जी के भाई को, मिहुल भाई को राहुल गांधी जी ने चोर कहा है, तो चोर को चोर ना कहे तो क्या कहे? क्या देश का पैसा लेकर वो नहीं भागे? क्या देश का पैसा लेकर विदेशों में नहीं घूम रहे हैं वो आज? तो जो चोर है उसको चोर ही तो कहा जाएगा रजत जी, तो चोर कहा है राहुल गांधी जी ने, उसके लिए कोई माफी नहीं राहुल गांधी जी मांगेंगे और कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। ये जिस तरीके की यहाँ ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं, ओबीसी जाति समझदार है, कांग्रेस के दो दो मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, इनके कहने से ये ओबीसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और एक आदमी के रिपोर्ट से, वो भी इनका पूर्व विधायक, तो उसको ये ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव दिखाकर और जिस तरीके का ये माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, देश की जनता समझदार है, वो समझती है कि ये 2024 की रणनीति बनाकर और पूरा का पूरा एक प्रोपोगेंडा तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी। वो हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और देखिए ये कहते हैं हम जातियों में देश को नहीं बांटते, हम धर्मों में नहीं बांटते, सबका साथ सबका विकास। आप देखिए जाति की बात अब यही लोग कर रहे हैं, ओबीसी की बात यही लोग ला रहे हैं, और कोई पार्टी नहीं ला रही है यहाँ पर। हमारे तो, मैं फिर से कहूंगी, दो दो मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, अगर इनकी जानकारी में इन्हें ना पता हो तो मैं बता देना चाहती हूँ। अरे चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? अड़ानी पे सवाल ना पूछे तो क्या करें? कहां से आई 36%? क्योंकि ये ओबीसी वाला इशू भी चल रहा है और इस पर भी राजनीति खूब हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी ओबीसी। जयराम जी एक मिनट, आ रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से ओबीसी के अपमान को लेकर बार बार सवाल किया तो वो भड़के भी थे। सवालों का जवाब देने के बजाय उन्होंने मीडिया पर बीजेपी का एजेंडा चलाने की तोहमत लगाई थी। आप खुद देखिए राहुल गांधी किस कदर गुस्सा गए थे। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो क्या। देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी हाँ, तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी,
then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. Vikrant. Rahul ji. डॉली जी, ये सेगमेंट जो जिस ओबीसी को लेकर सवाल पूछा गया, एक पत्रकार महोदय थे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक निजी चैनल के, जवाब नहीं था राहुल गांधी के पास। एक मिनट जयराम जी, पूछ लें जी, पूरा बयान सुना दीजिए। सुना तो दिया साहब जयराम जी, आप मुझे सवाल तो पूछ लेने दीजिए, आप सवाल ही नहीं पूछने देना चाहते हैं। मैंने जो कंट्रोवर्सी वाला सेगमेंट था उसको सुनाया है, अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप, मैं सवाल पूछ लूँ उसके बाद कमेंट आप करिएगा। डॉली शर्मा जी, ये एक भाग ऐसा था जब ओबीसी वाले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार को उल्टा कह दिया कि नहीं साहब आप तो बीजेपी वाले पत्रकार। डॉली जी, रजत जी कल मैं AICC मुख्यालय में थी, अगर आप चाहेंगे तो मैं क्लिप भी दिखा दूंगी। देश का एक बहुत बड़ा चैनल था और वो देश का बड़ा चैनल कांग्रेस मुख्यालय से क्या रिपोर्ट करता है कि राहुल गांधी गायब है, राहुल गांधी अपने घर से निकले और गायब हो गए, गुम हो गए। तो इस तरीके की बात आज राहुल गांधी जी पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव मीडिया, ये सच है, देश की जनता को बरगलाना चाहती है, सच दिखाना नहीं चाहती। आज राहुल गांधी जी ने हमारे मुख्यालय से प्रेस की, पूरे देश के सामने राहुल गांधी जी है, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लगातार हर वर्ग का सवाल पूछ रहे हैं, लगातार अडानी का सवाल पूछ रहे हैं, शेल कंपनियों के बारे में पूछ रहे हैं, 20,000 करोड़ के उस घोटाले के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं गायब नहीं हुए। लेकिन जब हम इस तरीके के बहुत सारे मीडिया के, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, इंडिया न्यूज के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे आज चैनल्स हैं जो गलत खबर दिखाते हैं और हम लोग लगातार उनको ये पूछते रहेंगे। ठीक है, आ रहा हूँ जयराम जी, आपसे जवाब लूंगा, आ रहा हूँ। एक बार घनेन्द्र जी के पास जाना है। क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर 24 के लिए आम आदमी पार्टी को कबूल है? देखिए रजत जी, मैं फिर आपको यही बता रहा हूं कि हम अडानी पे सवाल पूछते भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में क्या दर्द हो जाता, हमारी समझ से बाहर है। अडानी पे सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो सकता है? अडानी पे सवाल पूछना देश पे हमला कैसे हो सकता है? अडानी ने अगर घोटाला करा, सामने है कि 42,000 करोड़ रुपया 6 शेल कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर्ड होती है, एक ही दिन में, एक ही पते पे एक ही डायरेक्टर होते हैं, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, एक दिन में 42,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट होता है। निश्चित तौर पर तो सामने सीधा सीधा PMLA का मामला बनता है, सीधा सीधा ED का मुकदमा दर्ज करके अडानी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। क्यों पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी को बैक कर रही है, हमारी समझ से बाहर है। क्यों मोदी जी और उनके पूरी, हम अडानी पे सवाल पूछते जयराम विप्लव को दिक्कत होती है, हम अडानी पे सवाल पूछते मोदी जी को दिक्कत होती है, हम अडानी पे सवाल पूछते अमित शाह को दिक्कत होती है, हम अडानी पे सवाल पूछते अनुराग ठाकुर को दिक्कत होती है। अरे रिश्ता क्या है, देश जानना चाहता है आपका रिश्ता क्या है। यही फाइनेंशियल फ्रॉड अगर किसी और ने किया होता, मैं पूछता हूं, राहुल गांधी ने भी इसी सारी चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुखता से बोला है। ठीक है गणेश जी, एक बार ब्रिजमोहन जी के पास, ब्रिजमोहन जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप। पार्टी को फंड देता है अडानी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता है। मैं जा आ रहा हूँ जयराम जी, आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए गणेश जी, मैं आपको सवाल लेकर जा रहा हूँ, उससे पहले ब्रिजमोहन जी के पास जा रहा है, आ रहा हूँ जयराम जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जयराम जी, आ रहा हूँ, अपने आप मत बोलिए आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे सवाल पूछूं जो लोग पूछना चाहते हैं। ब्रिजमोहन जी, अडानी की रिश्तेदारी है, अडानी इनका माई बाप इसलिए बन गया, अडानी भारतीय जनता पार्टी चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी। आ रहा हूँ गणेश जी, सुन लिया सवाल, अडानी वाला सवाल है, 20,000 करोड़ वाला है, मैं पूछूंगा जयराम से। ब्रिजमोहन जी, रजत जी देखिए, इस समय देश में दो विचारधाराएं चल रही है, एक है आइडिया ऑफ मोदी और एक है आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ मोदी को का मतलब यह है कि एक संविधान और कानून की आड़ में या उनके साए में रहकर वो करना जो वो चाहते हैं, और आइडिया ऑफ इंडिया वो है जो ये देश के लोग कहते हैं कि देश को अगर चलाना है तो संविधान और कानून के अंतर्गत चलाया जाए। ये संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के चलते ये सारी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि जब आइडिया ऑफ मोदी चलता है तो निश्चित रूप से ऐसे परिणाम आते हैं जिसमें कि अभी हम जो देख रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ, कई देश के पत्रकारों के साथ हुआ, कई बोलने वाले लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है वो हुआ, अभी हाल में तो एक पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया मंत्री जी से उत्तर प्रदेश में, उनको तत्काल जेल भेज दिया गया। तो ये आइडिया ऑफ मोदी जी है,
और दूसरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसके लिए संघर्ष बाकी का पूरा विपक्ष कर रहा है। पूरा विपक्ष क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि आप देश को कानून के अंतर्गत चलाइए, देश की जो संवैधानिक संस्था उनके मान सम्मान को रहने दीजिए, और जो उनके ऊपर लोगों का विश्वास है उस विश्वास को बना रहने दीजिए, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ लोगों का यह मुल्क है। यदि संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास टूट जाएगा तो हम इस 1 अरब 40 करोड़ के देश को चलाएंगे कैसे, यह एक मुद्दा है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है और मुझे लगता है ये संघर्ष चलेगा, इस संघर्ष का रुकना बहुत कठिन है, क्योंकि आइडिया ऑफ मोदी जब चलेगा तो नेचुरली आइडिया ऑफ इंडिया के लोग संघर्ष करेंगे। ठीक है, ये देश के सामने प्रश्न है और इसी के ऊपर ये सारी राजनीति इस समय हो रही है। ठीक है, गणेश जी ने जो बात बोली, डॉली जी आप कुछ ऐड करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा कि साहब मैं अडानी का नाम ले रहा हूं इसलिए सरकार मेरे पीछे है। अडानी और मोदी के बीच में रिश्ता क्या है इसको लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं, और 20,000 करोड़। डॉली जी कुछ ऐड करना चाहिए तो ऐड कर लिए, फिर जयराम जी से जवाब लूंगा। बिल्कुल, आप देखिए हवाई जहाज में, अडानी के हवाई जहाज में बैठकर प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शपथ लेने आते और सवाल भी ना पूछा जाए उनसे। वो कहते हैं श्रीलंका में बिजली की सिफारिश करते हैं कि अडानी को मिलनी चाहिए और सवाल भी ना पूछा जाए उनसे। वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और उसके बाद अडानी जी वहां तुरंत पहुंच जाते हैं और सवाल भी ना पूछा जाए उनसे। आप वो मैंने आपको पहले ही कहा, वहां पर लगातार हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है, जैसा अभी कहा भी कि नमक रोटी बच्चे खा रहे थे, और जिस पत्रकार ने सवाल किया सरकार से उत्तर प्रदेश की वो पत्रकार जेल गया। ऑक्सीजन कम होने पर सवाल किया, वेंटिलेटर घोटाले पर सवाल किया, वो पत्रकार जेल में गए। अभी अभी इनकी नेता है, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री है, उन्होंने संभल में उनसे पत्रकार ने सवाल किया, वो कौन सा संविधान और कानून है जो ये भी बता देंगे जो पत्रकारों को जेल के अंदर डालता है जो सवाल पूछते हैं। कहीं ना कहीं जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जो इनके सामने आवाज आज उठ रही है, जो भी कोई इनसे सवाल करता है उसकी आवाज को कुचलने के लिए बार बार संविधान को, लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग आज विपक्ष को कमजोर और खत्म करना चाहते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में रहता है तो भ्रष्टाचारी और भाजपा में पहुंचता है तो मुख्यमंत्री, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं रजत जी, जो देश की जनता भी आज देख रही है। भारतीय जनता पार्टी कितनी आतुर थी राहुल गांधी जी की सदस्यता हटाने के लिए, वो सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ठीक है, तो इनकी कलर आज खुलने लगी है। ठीक है जयराम जी, दो चीजें हैं, पहला अडानी 20,000 करोड़, प्रधानमंत्री, जेपीसी, और इतनी जल्दबाजी क्यों थी सदस्यता खत्म करने के लिए? रजत जी, आज ही राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी पर्दाफाश हो गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक सवाल उनसे और पूछा गया था जिसके जवाब में वो बौखला गए थे। वो सवाल था कि कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है, वहां भी अडानी का निवेश है, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बघेल से अडानी का क्या रिश्ता है? जो तर्क वो प्रधानमंत्री जी के लिए देश के संदर्भ में देते हैं, वही तर्क वो अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप बताइए कि आज वामपंथियों की सरकार है केरल में, वहां पर अडानी को पोर्ट क्यों मिल जाता है? महागठबंधन महाविकास अघाड़ी जो थी इनकी, उसके राज्य में मुंबई में उनको काम मिलता है। डॉली जी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल दोनों राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे, बीजेपी यही कह रही है जब अडानी से इतनी दिक्कत है तो फिर इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अडानी के साथ निवेश क्यों करवाया अपने राज्यों में? देखिए, पूरा राजस्थान उठा के हमने अडानी को नहीं दे दिया। अशोक गहलोत जी शपथ लेने अडानी के हवाई जहाज से नहीं पहुंचे थे, भूपेश बघेल शपथ लेने नहीं पहुंचे थे। ऐसी जो व्यवहारिक तस्वीरें हैं, श्रीलंका में जाके अशोक गहलोत जी ने नहीं कह दिया बिजली अडानी को दे दो, बांग्लादेश में जाकर अशोक गहलोत जी ने और भूपेश बघेल ने नहीं कह दिया था अडानी को ये दे दो। अरे ठेकेदारी कर रहे हैं अडानी की, आज इनकी पूरी डिबेट और पूरी मानसिकता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का मैं समझा देता हूँ। प्रमोद तिवारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और प्रमोद तिवारी कहते हैं गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। डॉली जल्दी रिप्लाई कर दीजिए, वाइंड अप करना है। गांधी परिवार के लिए क्या अलग नियम कानून होना चाहिए? ये क्या है, क्या देश के कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर है? राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा मेरे लिए अलग कानून होना चाहिए।
ठीक है, माफी के साथ रुकूंगा, ये बहस लंबी है, 24 तक चलेगी। देश का सवाल में आप सभी मेहमान आए, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश यही थी कि आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने साफ कहा कि चाहे 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल या हमेशा के लिए आप मेरा निलंबन कर दीजिए, मैं नहीं मानूंगा। यानी राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और 24 की चुनाव की तैयारी करेंगे। वही दूसरी ओर माना जा रहा है कि सोमवार को लंबी चौड़ी वकीलों की टीम राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करने के लिए गुजरात जाएगी। देश का सवाल में आज के लिए सही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।